लुक व्हाट एग्जैक्टली इज डेटा सफिशिएंसी। पहली बात ये समझ लो, इन डेटा सफिशिएंसी आंसर नहीं निकालना है कि इसका आंसर क्या है एंड ऑल दैट। नो, कैन वी फाइंड द आंसर, कैन वी फाइंड द आंसर, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं ये बताना है। मीन्स अगर तुम्हें मैंने बोला कि व्हाट इज द पाव भाजी का रेसिपी, इसका पाव भाजी का रेसिपी अगर मैंने पूछा है, जस्ट यू नीड टू नो व्हाट वी नीड टू मेक पाव भाजी, वी डोंट नीड टू एक्चुअली मेक इट। सो सिंपली वी शुड नो व्हाट वी नीड टू मेक इट, है ना। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, आई आस्क्ड यू व्हाट इज माय एज, व्हाट इज माय एज, इट इज अ टू डिजिट नंबर। नाउ मैंने दे दिया व्हाट इज माय एज, इट इज टू डिजिट नंबर। नाउ फर्स्ट हिंट मैंने दिया, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। अब तुम्हें पता है सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, 90 भी हो सकता है, 18 भी, 81 भी, 27 भी। कैन यू से नो, यू कांट से द आंसर, यू विल नॉट बी एबल टू। नाउ सेकंड मैंने बोला द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 16 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, एंड इफ यू आर नॉट दैट जनरस टू मी 81 भी हो सकता है, 49, 64, 36, कुछ भी। अगेन यू कैन नॉट गिव द आंसर, पहले हिंट से भी आंसर नहीं, दूसरे हिंट से भी यू कैन नॉट गिव द आंसर टू मी, पहले से भी नॉट सफिशियंट, दूसरे से भी नॉट सफिशियंट। तो अब क्या करने का, बोथ कंबाइन, बोथ कंबाइनिंग भी यू नो 36 भी हो सकता है और 81 भी, तो अभी भी आंसर नहीं आया। सो व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व डेटा सफिशिएंसी, फर्स्ट ट्राई वन अलोन, कैन वी गेट द आंसर, देन ट्राई टू अलोन, कैन वी गेट द आंसर, नहीं तो बोथ कंबाइंड ट्राई करने का, और नहीं तो फिर आंसर पहले सिर्फ वन अलोन से ट्राई करने का, फिर सिर्फ टू अलोन से, फिर कंबाइन, अलोन से आया तो नेवर कंबाइन। लेट्स से सिंपल एग्जांपल, मैंने तुम्हें पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर पार्टी। अगर ये क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर पार्टी, फर्स्ट इंडिया ऑल क्लास स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। आंसर आएगा क्या, क्लास के सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है, बट डू वी नो द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, नो, अपने को ये पता नहीं है, तो आंसर नहीं आएगा। लेट्स से दूसरा हिंट दिया है, सेकंड हिंट, द क्लासरूम कैपेसिटी इज 200। दूसरा हिंट दिया क्लासरूम कैपेसिटी 200 है, लेकिन उसमें बैठते कितने है पता है क्या, नहीं। सो अभी भी बोथ कंबाइंड भी आंसर नहीं आएगा। पहला हिंट था ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, बट क्लास में है कितने पता नहीं, क्लासरूम कैपेसिटी 200 है बट उसमें बैठते कितने पता नहीं, तो अभी भी बोथ कंबाइंड नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल क्वेश्चंस हियर, माइंड वेल, डेटा सफिशिएंसी में सॉल्व नहीं करना है, आंसर आता है कि नहीं आता है ये देखना। लुक, द क्वेश्चन गिवन इज फाइंड द टू डिजिट नंबर एन। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड वेल, आंसर नहीं निकालना है, व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट कैन वी फाइंड द आंसर और नॉट, आंसर निकाल सकते हैं या नहीं। व्हाट वी डू इज पहले सिर्फ पहला क्लू लेने का, टेक द फर्स्ट क्लू, सम ऑफ द टू डिजिट्स इज 9, क्या क्या हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 81 भी, 27 भी, 72 भी, 4590, एनीथिंग गोइंग ऑन। सो कैन यू से विच इज द पर्टिकुलर नंबर, इसमें से कोई भी, व्हेन आई से सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, आंसर कैन बी एनी वन ऑफ देम, सो वन अलोन से तो आंसर नहीं आएगा। नाउ लुक एट क्लू टू अलोन, पहले वन अलोन से ट्राई करने का, आंसर नहीं आता। नाउ टू अलोन, द डिफरेंस ऑफ द टू डिजिट्स इज 9, सो ओनली पॉसिबल आंसर इज 09 और 90, बट दिस इज नॉट अ टू डिजिट नंबर, 09 टू डिजिट नहीं है,
टू डिजिट नंबर क्या है 90, टू अलोन से आंसर आता है, आंसर 90 नहीं है, आंसर है टू अलोन से मैं आंसर दे सकता हूं, टू अलोन से आई कैन गिव द आंसर, टू अलोन से आता है बट वन अलोन से नहीं आता है, तो आंसर ऑप्शन अपना आंसर ऑप्शन क्या आ गया है बी, वन अलोन से आंसर नहीं आता है, टू अलोन से आता है। लुक, अगर अलोन से आता है तो कभी भी कंबाइन करके नहीं निकालेंगे। लेट्स चेक, क्वेश्चन दिया है एक्स वाई से बड़ा है क्या, फर्स्ट हिंट सेज एक्स स्क्वायर इज ग्रेट, लुक इवन पावर जो भी रहते हैं बहुत बड़ा ट्रैप है, यूजिंग दिस ऐसे भी हो सकता है माइनस थ्री का स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू स्क्वायर, राइट, नाइन इज ग्रेटर देन फोर, बट नंबर क्या है, ऐसे भी हो सकता है y इज ग्रेटर देन x, एंड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेट्स क्विकली चेक इट, नाउ इवन इट कैन बी दैट 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर, सो यूजिंग 1 अलोन जो दिया है x स्क्वायर ग्रेटर देन y स्क्वायर बड़ा ट्रैप रहता है, ऐसे होके भी हो सकता है y बिगर, ऐसे होके x बिगर, सो वी कैन नॉट से यस भी नहीं बोल सकते हैं, नो भी नहीं बोल सकते हैं, श्योरिटी कुछ किसका भी नहीं है, अंडरस्टैंड इवन पावर्स में कभी भी नहीं आता है। सेकंड हिंट गिवन इज एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन वाई क्यूब, ठीक है, माइनस टू क्यूब ग्रेटर देन माइनस फाइव क्यूब, राइट, सो बट नंबर भी कौन सा बड़ा है एक्स, लुक क्या करना है इसको यूज करके कैन वी से विच इज बड़ा, ऐसे भी हो सकता है एक्स बड़ा, ऐसे भी हो सकता है, लिसन 2 क्यूब इज ग्रेटर देन माइनस 5 क्यूब, ऐसे में भी क्या बड़ा है x ही बड़ा है, ऐसे में भी x ही बड़ा है, चेक इट, इवन इवन चेक इट एनीथिंग, 2 क्यूब इज ग्रेटर देन 1 क्यूब, कुछ भी होने दो, व्हेन आई से x क्यूब इज ग्रेटर देन y क्यूब, लुक ऑड पावर में बता सकते हैं, सो श्योरली वी कैन से यस, अंडरस्टैंड प्रॉपरली, यस आंसर है नो आंसर है चलेगा, सो आंसर हियर इज टू अलोन इज सफिशियंट टू आंसर बट वन अलोन इज नॉट सफिशियंट, तो आंसर ऑप्शन के हिसाब से बी, टू अलोन इज सफिशियंट। लुक क्वेश्चन में पूछा है एक्स वन है क्या, लुक यस भी आंसर रहता है नो भी आंसर रहता है, चेक करो फर्स्ट क्या दिया है x स्क्वायर माइनस वन जीरो, वी गेट x स्क्वायर वन, माइंड वेल x वन भी हो सकता है माइनस वन, x वन है क्या, यस भी नहीं बोल सकते हैं, नो भी नहीं, आंसर यस भी हो सकता है नो भी हो सकता है, मीन्स वन अलोन से हां भी नहीं बोल सकते हैं ना भी नहीं, लुक एट टू अलोन, व्हाट इज गिवन इज x क्यूब प्लस वन इज जीरो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन, तो श्योरली वी नो एक्स इज माइनस वन, तो यूजिंग टू अलोन श्योरली वी नो एक्स का वैल्यू माइनस वन है, तो आई कैन श्योरली गिव द आंसर एज नो, एक्स वन है क्या, नो, सो वापस से आंसर यही आ रहा है, लुक हां भी आंसर चलेगा ना भी आंसर चलेगा, टू अलोन इज सफिशियंट, लुक डोंट गेट कंफ्यूज कि नो आता है तो आंसर नहीं है, सुनो Let's say someone asks you, is your name Amita? अब Amita तुम्हारा नाम है क्या? Yes बोला तो भी चलेगा, no बोला तो भी चलेगा, but you cannot say कोई कोई लड़की मुझे Amita भी बोलती है, ऐसे नहीं, yes भी right answer है, no भी answer है, surety होनी चाहिए, so even in this case we are very sure, no no no, so answer is what? Two alone से answer आएगा। क्वेश्चन पूछा है एक्स वन से बड़ा है क्या, अगेन हा ना कुछ भी चलेगा, फर्स्ट हिंट, सेकंड, बिफोर मूव ऑन टू एनीथिंग समझ के लो, इफ नंबर इज निगेटिव, इफ लेट्स से नंबर इज निगेटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मींस व्हेन आई से नंबर निगेटिव रहा तो स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन नंबर, अपने को हिंट क्या दिया है, अच्छा हिंट दिया है एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, So, कब हो सकता है,
Listen, if x is 0, if x and x square, what all we know is, if x is 0, x square is 0. If it's 1, it's 1. What is 0.1 ka square? 0.01. What is 0.2 ka square? 0.04. And even if you check out 0.9 ka square also is 0.81. So now, at this 0 is x square equal to x. At 1 also x square is equal to x. But in between all this, x square is always less than x. Samajh ke lo. In between, look, number negative raha to square to bada hi rahega. But if I say 0 se baad 0 pe x square equal to x, 1 pe. So if someone gives you x square is less than x, compulsorily, now, you know, apne ko diya hai pehla hint, x is greater than uska square. So ispe se kya meaning nikalta hai? Ispe se meaning ye nikalta hai, x is greater than 0, but x is less than 1. Question mein poocha hai, is x greater than 1? Ispe se surely we can say, no, x compulsorily agar uska square aise hai, to answer aa jayega no, 1 alone se aayega, 2. Ye to practice hai, x square is 4, so x may be 2 or may be -2. X square is 4, to x 2 bhi ho sakta hai, -2 bhi. 2 raha, to we can say, yes, x is greater, -2 raha, to we can say, no. Are we sure? No. So 1 alone se answer aata hai, but 2 alone se nahi aata hai. So what we know is, 1 alone is sufficient to answer, according to our answer options, A, 1 alone is sufficient to give the answer. So before we start with the next question, is A plus B plus C even? Look, sabse bada part, let's revisit our things. What is even plus even? Sabko pata hai. For example, 2 plus 4. So what do we get? Even. Even plus even. Now, if I say odd plus odd, what is it? Try 3 plus 5, let's say 8, even. So simply what we know is, even plus even is even. Same do add kiye to even aata hai. Now, furthermore, what we know is, odd plus even. Kya aata hai? Odd plus even. Try 3 plus 4, what is it? 7. So what is it? Odd. Means, dono mein se ek odd, ek even hai, to answer kya aega? Odd. Now, furthermore, what we know is, let's say, even into even. Basic cheez hai, 2 into 4, 8, even. So what is it? Even. Now, even into even, even. What is even into odd? Concept ye hai, even into anything is always even. Even into anything, it's even. Now, so odd into odd, what do we get? 3, 5s are 15. So understand very well, product mein sabhi odd rahe, to hi odd aega. Otherwise, product even into anything is always even. Now, look at it. What is given is, first clue says, A plus B plus C plus D. Poocha sirf kiske baare mein hai? A, B, C ke baare. So, it can happen A plus B plus C is odd and odd plus odd is even. Aise ho sakta hai? A plus B plus C odd, D odd, or product summation even. Aise bhi ho sakta hai. Aur aise bhi ho sakta hai, A plus B plus C even, even plus even, even. That is also possible. Means we are not sure ABC can be odd, can be even. Nahi bol sakte. So no. Second is, product is odd. Sun ke lo, product is odd. Abhi apan ne sikha hai. Product mein kuch bhi even aa gaya, to product is always what? Even. Product is odd when all the numbers are odd. So now, A into B into C is odd when only this is possible, if everything is odd, then only product is odd. Question hai pucha hai, A plus B plus C, yahi bata sakte hai. Dekh lo, A plus B plus C, so what we know, odd plus odd, what you will get? Even. And even plus odd, so what you will get? Finally, odd. Answer odd ya even nahi hai, answer yahan bata nahi sakte,
ऑड भी हो सकता है इवन भी, बट यहां पे श्योरली वी नो नो इट्स नॉट इवन. सो आंसर इज व्हाट, टू अलोन इज सफिशियंट टू गिव द आंसर. टू अलोन से आंसर आ जाएगा. प्रोडक्ट ऑड है, मीन सारे ऑड है, बता सकते हैं. क्वेश्चन गिवन इज वी ऐड 10 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए बाई बी, विल यू बी मोर देन ओरिजिनल. लुक, यस नो कुछ भी बोला तो राइट आंसर है. बिफोर आई स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ लेट्स से इफ समवन आस्क्स 12 by 20, देन 12 by 20 इज गिवन टू अस. Furthermore, let's say if it's given is 22 upon 30 and let's say 42 upon 50, which is biggest. What we know, this is 0.6, this is 0.7 something, 333, and this is 0.84. Which is the biggest fraction? This one. Listen, ye naya funda seekh rahe apan, this. So, abhi sabse biggest aise aa gaya, this thing. Now, look at it. What we can see is 12 by 20, 22 by 30 and 42 by 50. Difference is 8, 8 and 8. So now what all we learnt is numerator and denominator. If difference is same and fraction is less than 1, or you can say numerator is less than denominator. Sun ke lo. Numerator and denominator difference same. Fraction less than 1 means numerator less than denominator. So in this case, fraction with highest numerator is biggest or highest. Fraction with highest numerator is highest if कौन से केस में, means यहां पे हाईएस्ट कौन हो जाएगा, दिस थिंग, और इसका ही कॉन्वर्स क्या है, सुनो कॉन्वर्स क्या है, 12 by 20, लेट्स से आई ऐड बोथ ऑफ देम प्लस 10. सो नाउ व्हाट नो इज दिस फ्रैक्शन से न्यू वन, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऐड किया, लुक सुन लो, और लेट्स से नाउ वी गॉट 22 upon 30. अब लेट्स से इन दोनों में मैंने 20-20 ऐड कर दिया, दोनों में 20-20 ऐड कर दिया. वी ऐड बोथ 20-20 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यू इज ग्रेटर देन दिस थिंग. सो व्हाट ऑल वी नो इज फ्रैक्शन ए बाय बी, इफ देयर इज अ फ्रैक्शन ए बाय बी व्हिच इज लेस देन 1 मींस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. सो इफ आई ऐड सेम नंबर टू बोथ ऑफ देम, new one is always bigger than original. If a by b less than 1, numerator less than denominator, this is always greater than this one. So kya sikhane, dekho thoda aaram se karo, koi problem nahi hai. 13 by 22, let's say 39 by 48, let's say 53 by 61 and 70 by 79. लुक सब में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सब में क्या है, सॉरी दिस वन आई शुड बी मेकिंग 62, डिफरेंस इज ऑफ 9. वी नो फ्रैक्शन ए बाय बी लेस देन 1, सो फ्रैक्शन विद द हाईएस्ट न्यूमरेटर, और वही अपन बोल सकते हैं 13 by 22, दोनों में सेम नंबर ऐड किया, दोनों में क्या सेम ऐड किया, व्हाट ऑल वी नो 13 plus 26 एंड 22 plus 26. नाउ अगेन इसमें व्हाट ऑल वी ऐड इज, लेट्स से फॉर दिस वी ऐड अगेन फर्दर मोर 39, ये वैल्यू 39 plus 14 एंड दिस इज व्हाट 48 plus 14. सो परफेक्टली फाइन, दिस वैल्यू विल बी द हाईएस्ट वन, दिस वैल्यू विल बी द हाईएस्ट वन. Can check out. And furthermore, this is 53 by 62 में कितना add हो गया, 53 plus 17, this is 53 obviously, and what all was there here, 62 plus 17. So that's how we get it. But if reverse there, reverse means let's say I ask you 5 by 2
10/7, 5/2, 10/7 and 15/12. This is 2.5, this is 1.4 something and this is 1.25. So now, अभी भी क्या है? सुन लो, fractions difference क्या है? सबका difference is what? 3. So what we know is, fraction a by b greater than 1 means numerator is greater than denominator, and if difference is same, यहाँ पे difference 3, 3, 3, fraction with lowest numerator has highest value. Fraction with lowest numerator has the highest value. So यहाँ पे क्या हो गया? This thing. और converse is सुनो, 5/2, 10/7 and what all I had given, let's check it here, 15/12. So in me you can see here this is 15/12. 5/2, I add 5 + 5, 2 + 5. New is less than original. New is less. This is new will be lesser. This one is going to be the greater. So simply what we know is 5/2, 10/7 and 15/12. इसमें ये largest रहेगा. दोनों को same number add किया, this will be smaller. और same number add किया, smaller. So finally, what all we learned? Quickly check out what all we learned. If there is a fraction, इतनी देर में अपन ने क्या सीखा? Fraction a by b. If a is less than b, or other word, what we know is a by b less than 1 है. तो if we add same number to both of them, this thing. But if a is greater than b or a by b is greater than 1, so then a by b is greater than, दोनों को same number. So now, if a is greater than b, means simply a by b is greater than 1. If both same number is added, new is less than original. If a is less than b, means a by b is this thing. If we add same number, this is greater than original. So now the question given to us is, a by b, what all? 10 is added to both of them. There is a fraction a by b. If 10 is added, will the new be more than original or less than? First one says what? A is 45 and B is 22. So A by B, obviously we know A by B is greater than 1. So if we add 10 to both of them, we are very sure this will be less than original. So 1 alone say answer aega. We can answer it. Will the new fraction be more than original? Here we can surely say no. Look at 2 alone. 2 alone kya diya hai? A by B is less than 1. A by B is less than 1. We add same number to both of them. So surely it will be greater. We can surely answer yes here. So 1 alone se bhi aayega. 2 alone se bhi aayega. So what we know is each alone can answer the question. That is C. Each alone can answer the question. Answer option C. The question given here is, what is the 23rd number in the series? Look, pata nahi starting meeting kya dekhte hai. Each number is 2 more than the previous. Ye toh theek hai. But do we know the starting number? We don't know the starting number. Isse ye nahi pata chalta. Starting number can be negative, can be 1, can be 0, can be something. So 1 alone से answer नहीं आएगा, not sufficient, 2 alone. 10th number is 45, but what is the difference? Do we know 1 है, 2 है, 3 है, तो next number we don't know. So 1 alone से यहाँ नहीं आएगा, because starting number is not known. Here difference is not known, यहाँ difference का पता नहीं. So combining them, we can surely say, we know 10th number is 45, so 11th will be 47, 12th will be 49. Don't find the answer. 23rd kya aega? Don't find it. Plus 2, plus 2, plus 2 karke. 10th, 11th, 12th. We will be able to find
सो बोथ कंबाइंड श्योरली आंसर आ जाएगा, बोथ कंबाइंड वी विल बी एबल, आंसर निकालना नहीं है, वन अलोन में स्टार्टिंग नंबर पता नहीं है, इधर डिफरेंस पता नहीं है, बोथ कंबाइंड आंसर आ जाएगा। लुक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिविजिबिलिटी वाला, जस्ट चेक इट, व्हेन आई से अ नंबर इज डिविजिबल बाय लेट्स से 12 means simply it means number n, if I say n is divisible by 12, n is 12 into anything. Now x can be any natural number, but when I say 12, 12 is divisible by 1 2 3 4 6. So what all we know, if a number n is divisible by 12, it's 12 into something, x can be anything, means it's compulsorily divisible by, it is divisible by all these numbers also. But if I say a number is divisible by 12, if a number is divisible by 12, is it divisible by 10? वो 10 से divisible है क्या? अब हो भी सकता है 60 या 120 रहा, maybe, or it's divisible by 12, 24, 36 रहा तो not. So if a number is divisible by 12, is it divisible by 10? Maybe, may not be, we are not sure. But if a number is divisible by 12, it's compulsorily divisible by all its subfactors. Furthermore, now let's say, or a practice. Let's say, if I say a number is divisible by 18. Koi number divisible by 18 hai, means it's surely divisible by 1, 2, 3, 6, 9. Compulsorily, it's divisible by all these numbers. If a number is divisible by 18, it's divisible by all these numbers. But now, if a number is divisible by 18, is it divisible by 20? If it's asked, is it divisible by 36, let's say. It is divisible by 18, is it divisible by 36? Maybe, may not be. 36 se raha to yes, 54 raha to no, 10 raha, 8 raha to yes, 90 raha to no. So maybe, may not be. So we are not sure if a number is divisible by 18, 36 se rahega ya rahi rahega, we are not sure. So what ought you? Simply, if a man is grandfather, agar koi aadmi grandfather hai, to surely wo father hai, kisi ka son bhi hai, sure. But if koi aadmi grandfather hai, वो आदमी ग्रैंडफादर है, इज इट द गारंटी वो ग्रेट ग्रैंडफादर है? वी आर नॉट श्योर, मे बी, मे नॉट बी, मे बी, मे नॉट बी, वी आर नॉट श्योर। बट कोई बड़े लेवल पे है तो सब लेवल पे तो है ही, बट ऊपर के लेवल पे हो भी सकता है, नहीं भी, वही है। इफ यू आर डिविजिबल बाय लेट्स से 27, if you are divisible by 27, you are surely divisible by 1, 3 and 9. But if you are divisible by 27, what about 54? We are not sure of yes or no. What about 40? Any other number, if you are divisible by something, surely by subfactor, we are sure. But for any other number, any other number, yes bhi ho sakta hai, no bhi ho sakta. Now, further, if you are not divisible by, let's say 12, if you are not divisible by 12, it simply means you are not 12 into something. So, iska meaning ye hai, if you are not divisible by 12, 24, 36, 48, kuch bhi not, because you are not 12 into something, to baki bhi kisi se bhi not, we are very sure about. But if you are not divisible by 12, 6 से हो भी सकते हैं, 12 से नहीं है, 6 से हो भी सकता है, नहीं भी, 10 से हो भी सकता है, नहीं भी, I'll give you example, 12 से नहीं है, but 6 से हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, 12 से नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, if you are divisible, not divisible by 10, 12, but 10 से हो भी सकता है, और नहीं भी, so everything is, all these examples satisfy. So simply, what all we know is, if you are not divisible by something, let's say you are not divisible by 18,
Surely you are not by 36, not by 54, not by 72. Sure, you are not by them. Any other number, be is 25, 30, maybe, may not be, kuch bhi, sure, nahi hai. But if you are not divisible by 18, simple meaning hai, dekho. If you are not father, कोई आदमी फादर ही नहीं बना तो गारंटेड वो ग्रैंडफादर नहीं है, वो ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है. वी आर वेरी श्योर अबाउट दैट. बट कोई आदमी फादर नहीं है तो वो सन हो भी सकता है. इफ यू आर नॉट डिविजिबल बाय समथिंग, ऊपर के लेवल पे भी नॉट, बट नीचे के लेवल पे यस भी नो भी. क्वेश्चन में पूछा है कोई एक नंबर एन अननोन 18 से डिविजिबल है क्या. फर्स्ट हिंट सेज इट इज डिविजिबल बाय 3. 3 से डिविजिबल है, 3, 6, 9, 18, 36 हो भी सकता है, मे बी, मे नॉट बी. सो यस भी श्योर नहीं और नो भी श्योर नहीं. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट वो 18 से हो भी सकता है और नहीं भी. Now, 2 alone. So, yes, we are not sure. It is divisible by 6. So, 6, 12, 18, 24, 36 may be divisible by 18, may not be divisible. 6 se divisible hai. 6 into something 18 se ho bhi sakta hai, nahi bhi. Yes, bhi we are not sure. No, bhi we are not sure. Both alone to nahi aayenge. Now, combine. If we try combine, a number is divisible by 3 as well as by 6. अब वो 3 and 6 दोनों से है. Don't say 3, 6 are 18 से भी है. Wrong. LCM of 3 and 6 is what? 6 3 से भी divisible और 6 से भी divisible. Means both combined at the most we can say किससे divisible है? 6 से. So again both combined 6, 12, 18. अगेन वी आर नॉट श्योर. यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है. श्योर कुछ भी आंसर नहीं है. सो वॉट वी विल से हियर इज बोथ कंबाइंड भी आंसर नहीं आएगा. बोथ कंबाइंड भी आंसर नहीं आएगा. इवन बोथ कंबाइंड भी आंसर नहीं आएगा. आई रिपीट व्हाट आई सेड. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3. लुक, 3 से है, 18 से हो भी सकता है, नहीं भी. 6 से है, 18 से हो भी सकता है, नहीं भी. दोनों कंबाइन करके 3 और 6 से है, मीन्स 6 से है, 18 से हो भी सकता है, नहीं भी. वी आर नॉट श्योर. बोथ कंबाइन भी वी आर नॉट श्योर. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. क्वेश्चन बोला है इज द नंबर एन डिविजिबल बाय 55. वन अलोन सेज इट इज डिविजिबल बाय 5. Means it's multiple of 5. It can be 5, 10, 15, 50, 55, 110. So may be divisible by 55. Ho bhi sakta hai or nahi bhi. We are not sure. Yes or no, we are not sure. Second, it is divisible by 11. 11, 22, 33, 55 may be by 55, may not be. So again, we are not sure. बट इफ वी कंबाइन 5 से भी है और 11 से भी है. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज 11, कंपल्सरीली इज 55 और 110 और एनीथिंग. श्योरली वी नो, श्योरली वी कैन से यस. 5 से भी है और 11 से भी है, कंपल्सरीली वी कैन से यस. सो आंसर इज बोथ कंबाइंड वी कैन श्योरली से. बोथ कंबाइंड वी कैन श्योरली से मीन्स आंसर इज डी. Answer is D. कोई एक नंबर n 18 से डिविजिबल है क्या. लुक, कोई आदमी ग्रैंड फादर बन चुका है तो फादर बना ही है. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 36, इट श्योरली डिविजिबल बाय 1, 2, 3, 4, 6, 9 एंड मोर सो बाय 18. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 36, it's surely divisible by 18 because 36 itself is what? 18 into 2. 36 se hai, to surely 18 se, to 1 alone se, sure we can say yes. 1 alone se aayega. 2 alone. 2 alone says a number is divisible by 9.
आदमी फादर है, ग्रैंडफादर, ऊपर का लेवल हो भी सकता है नहीं भी, मींस यू आर डिविजिबल बाय 9, 9, 18, 27, 36, 18 से हो भी सकते हो नहीं भी, वी आर नॉट श्योर, हो भी सकता है नहीं भी, वी आर नॉट श्योर. सो आंसर इज वन अलोन कैन गिव द आंसर. वन अलोन से आंसर आता है, हा ना बोल सकते हैं, मीन्स आंसर ऑप्शन ए. क्वेश्चन पूछा है इज नंबर डिविजिबल बाय 63, पहला दिया है 18, दूसरा दिया है 40. फर्स्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ यू आर डिविजिबल बाय 20, इफ यू आर डिविजिबल बाय 20, यू आर श्योरली बाय 10, यू आर श्योरली बाय 5, बिकॉज लुक 10 इंटू एनीथिंग और 5 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज डिविजिबल. सो 20 से है तो 10 से भी है और 5 से भी है, 100 से है तो 20 से भी है, 50 से भी है, वी आर वेरी वेरी श्योर अबाउट इट बिकॉज 100 इज 20 इंटू 5, 50 इंटू 2. नाउ इज द नंबर एन डिविजिबल बाय 63. फर्स्ट इट सेज इज डिविजिबल बाय 18. 18 का मल्टीपल है 18, 36, 54. डोंट से 63 नहीं आ रहा है, 126 से हो भी सकता है. इफ यू आर डिविजिबल बाय 126 मीन्स मे बी मे नॉट बी, 18 से है तो 63 से हो भी सकता है. सेम वे 14 से है, 14, 28, 42, 126 मे बी डिविजिबल बाय 63 मे नॉट बी. सो हो भी सकता है नहीं. सो बोथ कंबाइन इफ यू लुक एट इट, लुक वन अलोन से भी हाँ भी नहीं बोल सकते ना भी नहीं, टू से भी नहीं. इफ वी कंबाइन बोथ ऑफ देम, 18 एंड 14 दोनों से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय बोथ. सो एलसीएम इज गोइंग टू बी 2 × 9 × 7. सो 126 से श्योरली है इफ यू आर डिविजिबल बाय 18 एज वेल एज 14. सो नाउ 63 इटसेल्फ इज 126 इज 63 टू जा. सो बोथ कंबाइन श्योरली वी कैन से 18 से भी है और 14 से भी है तो surely divisible by 126 means both. So surely we can say both combined answer आएगा, both combined answer आएगा means D, both combined we can say it's divisible. Look other way round we have checked is if you are divisible by 14, 2 into something, if you are divisible by 18, 2 into 9. पूछा है is divisible by 63. 63 is what? 7 into 9. If you are divisible by 14, you are surely divisible by 7. If you are divisible by 18, you are surely divisible by 9. So, दोनों को combine करके 2 भी आ गया, 7 भी आ गया, 9 भी आ गया. So, both combined, we can surely see 7 भी आ गया, 9 भी, तो 63 से divisible है. That's what we have said. Look, the question is n divisible by 45? First, it says वो 90 से divisible है. 90 itself is 45 into 2. If you are divisible by 90, surely it's just like कोई आदमी grandfather बना है तो पहले father तो sure ही था. Same way ऊपर के level पे 90 से है तो 45 से surely है. Yes. Now, वो 9 से divisible नहीं है. Now, first one says it is divisible by 90. Surely आएगा? Yes आएगा. Now, second says it is not by 9. Not by 9. अब 9 से ही नहीं, तो 18 से भी नहीं, 27 से भी नहीं और 45 से भी नहीं. So, surely अपन इससे बोल सकते हैं 9 से ही नहीं. 9 into nothing. 45 is 9 into 5. अब कोई नंबर 9 से ही नहीं, तो 45 से भी नहीं. Surely I can say no. Look, don't get confused कि यहां से यहां से आ रहा है, वहां से नो. वन अलोन से भी आता है, टू अलोन से भी आता है. तो आंसर इज ईच अलोन कैन गिव द आंसर. सी ईच अलोन कैन गिव द आंसर. क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द क्यू, कैन यू फाइंड, नंबर विंबर नहीं चाहिए, कैन यू फाइंड द आंसर और नॉट. नाउ सुनो, फर्स्ट वन सेज सलमान वॉज फिफ्थ फ्रॉम स्टार्ट.
स्टार्ट से सलमान इज फिफ्थ, ही इज फिफ्थ, तो आगे ये चार लोग. हु वॉज 12th फ्रॉम द एंड, 12th फ्रॉम द एंड, सो पीछे 11. सो अंडरस्टैंड, चार आगे 11 पीछे, ये सलमान. सो वन अलोन से वी कैन से 16 पीपल वेर देयर. सलमान वॉज फिफ्थ फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्ट से फिफ्थ, तो आगे चार लोग. 12th फ्रॉम द एंड, सो पीछे 11 लोग, चार 11 एंड वन सलमान 16, वन अलोन सफिशियंट. नाउ टू अलोन सेज व्हाट, टू अलोन सेज अभिषेक हु वॉज 10th फ्रॉम स्टार्ट, अभिषेक इज 10th, तो उसके आगे 9 लोग. वॉज 5 प्लेसेस इन फ्रंट ऑफ ऐश्वर्या, सो 5 प्लेसेस इन फ्रंट मीन्स 4 पर्सन. ऐश्वर्या हु इज 5th फ्रॉम द एंड, तो पीछे 4. अंडरस्टैंड, ऐश्वर्या इज 5th फ्रॉम द एंड, पीछे 4. अभिषेक इज 5 प्लेसेस इन फ्रंट ऑफ ऐश्वर्या, बीच में 4. अभिषेक इज 10th फ्रॉम स्टार्ट, आगे 9. सो 9, 4 and 4, 17, एंड दीज टू मेंबर्स, टोटल वी गेट 19. लुक, डोंट से दैट अलग अलग आंसर आ रहा है, वन अलोन से भी आता है, टू अलोन से भी, ईच अलोन इज सफिशियंट. सो आंसर इज सी, ईच अलोन से आंसर आता है, कुछ भी आए, कैन यू और नॉट, दोनों अलोन अलोन से आता है. लुक व्हाट ऑल हैज बीन गिवन हियर, व्हाट इज द टाइम नीडेड टू डाउनलोड अ पिक्चर ऑन इंटरनेट, सबको पता है कैसे निकलता है. नाउ फर्स्ट इज द साइज ऑफ द फाइल इज 10 MB, साइज पता है बट वी डोंट नो स्पीड ऑफ डाउनलोड, डाउनलोड का स्पीड इज नॉट नोन. सो वन अलोन से तो आंसर नहीं आएगा, वी आर नॉट श्योर, यस ना. सेकेंड से इज द रेट ऑफ ट्रांसफर, टू अलोन में दिया है, रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर पता है बट साइज ऑफ द फाइल इज नॉट नोन. बट इफ आई कंबाइन बोथ ऑफ देम, बोथ कंबाइन, हाउ डू वी गेट टाइम नीडेड, इज टाइम नीडेड, हाउ वी गेट टाइम इज फाइल साइज अपॉन स्पीड. नो निकालते मत बैठो, डोंट फाइंड आउट दैट 10 MB अपॉन AB टू लाइक 2 KB पर सेकेंड, देन KB टू MB एंड ऑल दैट. वी नो वी विल बी एबल टू गिव बोथ कंबाइंड, साइज आ गया, स्पीड आ गया, कन्वर्जन वगैरह निकालो मत. सो आंसर आ जाएगा MB टू KB एंड ऑल दैट, बोथ कंबाइंड वी विल बी एबल टू गिव द आंसर. सो आंसर अकॉर्डिंग टू आर आंसर ऑप्शन इज डी फॉर दिल्ली, बोथ कंबाइंड, सिंपली स्पीड भी आ गया और फाइल साइज भी आ गया. Look, the question says, India was lagging by 3 goals during the half time. India match jeeta kya? Principal thing is, when will India win the match? Sunte raho acche se. India will win the match if next half, India scores and what all Pakistan scores, this difference has to be greater than 3. क्योंकि इंडिया 3 गोल पीछे है, नेक्स्ट हाफ में इंडिया ने स्कोर करा, पाकिस्तान ने स्कोर किया, डिफरेंस मीन्स इंडिया शुड स्कोर 3 गोल से ज्यादा देन पाक. ना फर्स्ट क्लू सेज नेक्स्ट हाफ में इंडिया ने नेक्स्ट हाफ में चार किया बट पाकिस्तान ने कितना किया दिया नहीं. इंडिया ने चार किया, पाकिस्तान ने 0 किया, तो इंडिया जीत जाएगा, विंस. इंडिया ने चार किया, पाकिस्तान ने 1 किया, तो ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि 3 गोल का डिफरेंस है. नेक्स्ट हाफ में इंडिया 4 पाकिस्तान 0 रहा तो इंडिया विंस, इंडिया 4 पाकिस्तान 1 रहा तो ड्रॉ, और इंडिया 4 पाकिस्तान 2-3 रहा तो इंडिया लूजेस. सो वी आर नॉट श्योर इंडिया जीता क्या, वन अलोन से तो आंसर नहीं आएगा, यस भी नहीं बोल सकते हैं, नो भी नहीं. लुक एट टू अलोन सेज पूरे मैच में पाकिस्तान ने 4 किया बट इट डज नॉट से इंडिया ने नेक्स्ट हाफ में कितना किया, ये नहीं दिया है. पूरे मैच में पाकिस्तान ने 4 किया इतना दिया है, तो इसका मीनिंग ऐसे है, व्हाट ऑल वी नो इज इफ हाफ टाइम तक एक तो पाकिस्तान 3 India 0 था, या हाफ टाइम तक पाकिस्तान 4, हाफ टाइम तक एक तो 3-0 था या 4-1, दैट्स व्हाट वी नो क्योंकि पूरे मैच में, बट वी डोंट नो सेकेंड हाफ में इंडिया ने कितना किया. सो वन अलोन से भी नहीं आएगा, टू अलोन से भी नहीं.
Now let's try to combine the things, what all we can get. If we try to combine, next half में इंडिया ने चार किया and second thing पूरे match में पाकिस्तान ने चार. So if this is the score line, 3-0 during the half time, Pak and this, पूरे match में इंडिया पाकिस्तान ने चार, that's what is given, and इंडिया ने next half में चार, तो ऐसे भी हो सकता है next half में first half, second half, if I take half time तक ऐसे था, पूरे मैच में पाकिस्तान चार means next इंडिया चार, so it may happen that the match is a draw, it may happen. Second thing what can happen is पाकिस्तान इंडिया half time 4-1 first half तक 4-1 पूरे मैच में पाकिस्तान चार इंडिया next half में चार. So पाकिस्तान 0, first half में 4-1, next half में इंडिया 4, पाकिस्तान 0, तो इंडिया wins. तो इंडिया जीत भी सकता है, draw भी हो सकता है, it can be draw, it can be win. तो अभी भी दोनों combine करके भी answer नहीं आएगा, दोनों combine करके भी win भी हो सकता है, draw भी. I quickly repeat what all I said. Question was, during the half time, India was lagging by 3 goals. Did India win? First is, in the next half, India scored 4 goals. Next half में India ने 4 किया, लेकिन पाकिस्तान ने कितना किया पता नहीं. We cannot see. पूरे मैच में पाकिस्तान ने 4 किया, next half में India ने कितना किया पता नहीं. Now both combining, पूरे मैच में पाकिस्तान 4 था, तो it is either first half में पाकिस्तान 3, India 0, और पाकिस्तान 4, इंडिया 1. पूरे मैच में पाकिस्तान 4, तो इट कैन बी नेक्स्ट हाफ में 1, इंडिया 4, ड्रॉ, और इट कैन बी नेक्स्ट हाफ में इंडिया 4, पाकिस्तान 0, इंडिया विंस. सो वी आर नॉट श्योर, अभी भी वी आर नॉट श्योर कि इंडिया विंस और इंडिया गोस फॉर अ ड्रॉ. सो आंसर अभी भी आएगा, आंसर इज ई फॉर एलिफेंट, बोथ कंबाइंड भी आंसर नहीं आता है, अभी बोथ कंबाइंड भी आंसर नहीं आता. बट यही अगर ऐसे क्वेश्चन रहता, डिड इंडिया लूज द मैच, तो आंसर है नहीं, नहीं हारा नहीं है. सो हार्ड द क्वेश्चन बीन, डिड इंडिया लूज द मैच, डिड इंडिया लूज, सेम क्वेश्चन में आंसर वुड हैव बीन डी. बोथ कंबाइंड वी कैन से, श्योरली वी कैन से बोथ कंबाइंड आएगा, एक तो इंडिया विंस और ड्रॉ. So surely did India lose? Answer is no. Answer would have been both combined. But question वो नहीं है. Question है did India win? So we are not sure win or draw. So we are not sure yes or no. तो अभी answer है E. Both combined भी answer नहीं आएगा. The question is diary having one page for each day. How many pages are there? Question is very simple. How many pages are there diary? Means simply we need to answer 365 hai ya 366 hai. So simply we need to find out year leap hai ya year non-leap hai. Can we say that? To answer aa jayega. That's the crux. Now first says January 18 is Friday. But based on that, it may be leap, it may be non-leap. Can we say anything? No. Same way, October 18th is Friday, so again it may be a leap year, it may be a non-leap year. We are not sure वो leap है या non. Now combining, look, data sufficiency है, समझ के लो आएगा या नहीं आएगा, बस इतना ही देना. January 18th is Friday and October 18th is given again, so we can always, what we do is we know answer आएगा. कैसे आएगा? We will add up all the days and we'll find out leap है या नहीं है. Simply what we'll do is, let's say we assume, सुन लो, we assume that it's not a leap year. We'll assume that January 18, 13 days of January remaining, February we are assuming leap नहीं है, March, April, May, June, July, August, September and October. Look,
सिंपली आंसर आएगा, पता चल जाना चाहिए, कैलकुलेट कर लेंगे जनवरी का रिमेनिंग पे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर वी ऐड अप. इफ यू गो फॉर दिस एडिशन इज 273. नाउ 273 आई डिवाइड बाय 7, 7 3s आर 21, 7 9s आर 63, रिमाइंडर 0. मींस यहां से 0 डेज आगे, अज्यूमिंग नॉन लीव फेब्रुआरी में 28 लेके 0 डेज एक्स्ट्रा आए, मींस वापस से क्या आया फ्राइडे. सो फ्राइडे ही दिया है, दिस इज गिवन फ्राइडे, मींस इट्स अ नॉन लीप ईयर. Had it been given Saturday, means it's a leap year. But concept ये है, answer both combine करके आ जाएगा, combining both we can give. सुन लो, had it been given January, January 18 is Friday, Feb 18 is something. तो आंसर नहीं आएगा. डिफरेंस कम्स ओनली बिकॉज ऑफ फेब 29 आता है या नहीं आता है, बस इससे आंसर नहीं आएगा. फिर ऐसा रहता तो आंसर नहीं आता. हैड इट बीन गिवन मार्च 25th इज समथिंग एंड अक्टूबर 39 इज समथिंग, सॉरी 39 होता नहीं, आई एम सो सॉरी, अक्टूबर 29 इज समथिंग. सो हैड इट बीन गिवन दिस थिंग, March 25 and October 29, तो आंसर नहीं आएगा. फेब्रुवरी में 28 आया या 29 आया पता ही नहीं चलेगा बीच में, सो आंसर नहीं आएगा. बट हियर व्हाट वी नो इज जनवरी 18 वॉज गिवन, अक्टूबर 18 वॉज गिवन. वॉट यू शुड हैव डन वॉज, आई नो दिस आई कैन ईजिली यूज एंड फाइंड इट. सो विदाउट सॉल्विंग यू कैन से बोथ कंबाइन, I will be able to give the answer. We have been asked what is the cost of a bat. Now, sir, fundamental thing अपने बचपन से सीखा हुआ है. What all we learnt is two equations and two variables. We can always solve it. Three equations, three variables. We can always solve it. So number of variables or number of equations same raha, to we can solve and get the answer. Now, so quickly check out what all has been given to us. Let's say bat ka cost x. So first equation is 2x plus 5y. One equation and two variable we cannot solve. So one alone se nahi aayega. Second equation is 10x, two alone I try this thing. We have got first equation. We have got second equation. Law of math says that we will be able to solve two equations, two variables, we will be able to solve. Trap hota hai DS mein, dhyan rakho. This only thing is, just check out are they same or not. Isko agar divided by 5 kiya, to I get 2x plus 5y. Now both the equations become same. Agar dono alag alag rehte the, to we could have solved. Abhi both combined also, then also we will not be able to solve. To bhi answer nahi aayega. Both combined also we will not be able to answer. So answer is what? E. Dono equation same hai, solve nahi honge. Alag rehte to answer aata tha. Question hai, is x greater than y? Pahli baat, sabse important part, data sufficiency khatam hone aa raha hai, dhyan rakho. Let's say if I ask you, is PG a good teacher? Is Pankaj Gandhi a good teacher? Tum surely bol do no, perfectly fine, it's a right answer. If you say yes, he's a good teacher, thanks a lot, but again it's a right answer. But if you say kabhi kabhi yes, kabhi kabhi no, data sufficiency mein no, baki jagah yes, then the answer is not, the data is not complete. Simply ha bhi right answer hai, na bhi right answer hai. Now, is x greater than y? So ye x, we know x plus 5 0 or x plus 1 0. So x is either minus 1 or minus 5. 1 alone se sirf x ka value aata hai, y pata nahi. Now 2 alone, we know y minus 3, y minus 4, 0.
y is either 3 or 4. y is either 3 or 4. सुनो, श्योर नहीं है, बट y कुछ भी हो जाए पॉजिटिव है, x कुछ भी हो जाए निगेटिव है. y कुछ भी हो जाए पॉजिटिव है, x हो जाए कुछ भी हो जाए निगेटिव है. तो श्योरली वी नो x इन एनी केस विल बी लेस देन y. डोंट गेट कंफ्यूज, नो आंसर आ रहा है तो डोंट से डेटा इज सफिशियंट. बोथ कंबाइंड वी कैन गिव द आंसर. बोथ कंबाइंड बोल सकते हैं हाँ या ना, कुछ भी बोलो. बोथ कंबाइंड बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन 1, नो. सो आंसर शुड बी बोथ कंबाइंड आएगा, d फॉर दिल्ली, बोथ कंबाइंड आंसर आएगा. गॉट इट? बट यही क्वेश्चन में ऐसे रहता हैड इट बीन इन द क्वेश्चन इज x ग्रेटर देन y. फर्स्ट इक्वेशन अगर ऐसे रहता x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, एंड सेकंड ये रहता तो सेकंड हैड इट बीन y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0. वी नो x इज माइनस 1 और माइनस 5, y इज माइनस 3 और माइनस 4. अब वी आर नॉट श्योर x माइनस 1 रहा, x माइनस 1 रहा तो x विल बी ग्रेटर देन y, बिकॉज y इज माइनस 3 और माइनस 4. बट x अगर माइनस 5 रहा तो वी नो x विल बी लेस देन y, क्योंकि y इज माइनस 3 और माइनस 4. सो देन आंसर यस भी नहीं बोल सकते हैं, नो भी नहीं बोल सकते. देन वी वुड हैव सेड द आंसर इज e. बोथ कंबाइंड भी आंसर नहीं आएगा ये केस में, लेकिन अभी दिया है, अभी दिया है उसका आंसर आएगा. बोथ कंबाइंड इन एनी केस x नेगेटिव y पॉजिटिव आंसर आएगा. क्वेश्चन में दिया है 120 चॉकलेट्स, सलमान, ऐश्वर्या और अभिषेक. अच्छे से माइंड वेल, हाउ मेनी चॉकलेट्स अभिषेक गॉट, सिर्फ अभिषेक निकाल. पहला इक्वेशन बोलता है अभिषेक गॉट 1/4 ऑफ वॉट सलमान एंड ऐश्वर्या टूगेदर गॉट. सो वी नो अभिषेक, वी नो वेरी वेल अभिषेक इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सलमान प्लस ऐश्वर्या. सो वी नो सलमान प्लस ऐश्वर्या जरूरत नहीं है, इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अभिषेक. ये कुछ जरूरी नहीं था, सलमान प्लस ऐश्वर्या 4 टाइम्स ऑफ अभिषेक, तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि अभिषेक प्लस सलमान ऐश्वर्या मीन्स 4 टाइम्स ऑफ अभिषेक इक्वल टू 120. सो अभिषेक 24. क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था हाउ मेनी अभिषेक गॉट. लुक सिंपली वन अलोन में यू शुड हैव रियलाइज अभिषेक गॉट 1/4 ऑफ सलमान ऐश्वर्या टुगेदर, रेशियो वी नो 4:1, तो अभिषेक अलोन का आंसर आ जाएगा. नाउ टू अलोन देखते हैं क्या दिया है. टू अलोन सलमान इज इक्वल टू 3/4 ऑफ ऐश्वर्या, बट वी नो इक्वेशन इज सलमान प्लस ऐश्वर्या प्लस अभिषेक 120. सलमान वी गेट 3/4 ऑफ ऐश्वर्या प्लस अभिषेक 120. ये सॉल्व होके आंसर नहीं आएगा, दो वेरिएबल बच जाएंगे. टू अलोन से आंसर नहीं आएगा, बट वन अलोन से आंसर आएगा. सो आंसर इज वन अलोन इज सफिशियंट टू गिव द आंसर हाउ मेनी अभिषेक गॉट. सुनो क्वेश्चन ये था हाउ मेनी चॉकलेट्स अभिषेक गॉट, इट्स नॉट हाउ मेनी ईच ऑफ देम गॉट. अभिषेक वन अलोन से आंसर आ जाता है. अगर क्वेश्चन ये रहता एट द क्वेश्चन बिट हाउ मेनी चॉकलेट्स ईच गॉट, हाउ मेनी चॉकलेट्स ईच गॉट ऐसे रहता तो वन अलोन से वी वुड हैव गॉट अभिषेक 24 एंड सलमान प्लस ऐश्वर्या 96. ये वन अलोन से आता था. देन यूजिंग टू वी वुड हैव गॉट सलमान इक्वल टू 3/4 ऑफ ऐश्वर्या. अगर क्वेश्चन ये रहता हाउ मेनी ईच ऑफ देम गॉट, तो वन अलोन से आता अभिषेक एंड दिस, देन यूजिंग दिस वी वुड हैव गॉट, देन आंसर वुड हैव बीन बोथ कंबाइंड, देन आंसर वुड हैव बीन बोथ कंबाइंड. बट क्वेश्चन था हाउ मेनी अभिषेक गॉट, हाउ मेनी अभिषेक गॉट, तो वन अलोन इज सफिशियंट टू गिव द आंसर.